और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना वायरस को लेकर वक्तव्य दे रहे हैं। तो और ऐसे ही स्टेट्स ने भी अपने अपने हेल्पलाइंस वगैरह बना रखे हैं, तो आप सब अगर कोऑपरेट करेंगे तो आई एम श्योर। अभी 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 शामिल करने के लिए आपको दो घंटे मंत्री जी का सुनना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट करने का मूवमेंट क्रिएट करना है, बिकॉज आपको जबरदस्ती कोरोना वायरस नहीं नुकसान पहुंचा सकता। अगर आपने अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म समझ लिया तो और उसको एजुकेट लोगों को कर दिया तो आप निश्चित थर्मल इमेजर आपको प्रोटेक्ट करने का प्राइस क्या है। अगर थर्मल इमेजर बहुत ज्यादा महंगा नहीं, एक पार्लियामेंट में तो लगवा दीजिए। ईरान में 23 एमपी कोरोना वायरस से सुस्त हो गए, तो कम से कम एमपी को अगर आप थर्मल इमेजर देखिए। धन्यवाद नो, धन्यवाद। जितने संबंधित स्थान है वहाँ पे एजुकेशन के जितने टूल्स हैं, अखबार से लेकर और रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, टेलीफोन, सब माननीय मैकेनिज्म, धन्यवाद। सबसे बड़ा मैकेनिज्म आप है, आप लोग भी जो है इस मैसेज को डिसेमिनेट करिए। आपको अधीर रंजन जी दो घंटे डिबेट और सुननी है क्या? नहीं सुननी ना। मान्य सदस्यगण एक मिनट, मान्य सदस्य एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मान्य सदस्यगण, छह अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। पिछले दिनों कुछ सदन नहीं चला, अगर सदन की सहमति हो और पूरा सदन इस बात से सहमत हो तो शनिवार रविवार को भी इस पर चर्चा चलाई जा सकती है। तो कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन का वक्तव्य आया है। सदन में उन्होंने बात रखी है और उन्होंने कहा है कि यहां कड़ी नजर रखी जा रही है और कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच चल रही है, 51 लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं और 30 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग चल रही है।